बच्चों आज हम लोग बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को बताए थे कि बंध तीन प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। ठीक, तो उसमें से पहला आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजी बंध, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि अकार्बनिक यौगिकों की जो संयोजकता सिद्धांत है उसको कौशल वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक और यह परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हीं को हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक, फिर देखिए जैसा कि हमने लिखा है कि वैद्युत संयोजी बंध का सर्वप्रथम कौशल ने दिया था। इस बंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक, इसलिए परिभाषा को डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज किया गया। ठीक, फिर देखिए वैद्युत संयोजी बंध बनने में एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की दिया जाता है तथा दूसरे परमाणु द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ठीक, मतलब कहने का सेंस ये है कि एक इलेक्ट्रॉन परमाणु को ग्रहण करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन परमाणु को देता है। ठीक, उस पर धन आवेश तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है। कहने का सेंस ये कोई भी तत्व या परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ठीक तो उस पर धन आवेश, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर जुड़ावेश आ जाता है। ठीक, इस प्रकार यह बंध दो विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य बनता है, मतलब दो विपरीत प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन। ठीक, इस कारण से इस बंध को आयनिक बंध भी कहते हैं, मतलब वैद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, तो क्लोरीन सोडियम को परमाणु क्रमांक 11 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 1। ठीक, 2 8 1 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 2 8 7। ठीक, तो सोडियम के परमाणु कक्षा के बारीक को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस प्रकार से सोडियम परमाणु की बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन को बिंद के द्वारा दिखाया दर्शित किया गया। ठीक, यहाँ पर और क्लोरीन में क्रॉस के द्वारा सभी 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। और फिर क्या करता है सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है जैसा कि फिगर में स्पष्ट है। ठीक, उसके बाद जब इनके द्वारा जो संरचना बनती है तो इसको लुईस वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए इसकी संरचना का नाम लुईस संरचना रखा जाता है। ठीक, या इनको बंध सूत्र के द्वारा दिखाना होता है, देखिए Na+ चार्ज और क्लोरीन माइनस चार्ज। ठीक, ये चीज़ समझेंगे। ठीक, यहाँ देखिए दिखा दिया गया है कि क्लोरीन के चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करना है और सोडियम के चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इस प्रकार से हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध का एग्जाम्पल देखें जिसका स्ट्रक्चर ऐसे था। अब इसके बाद देखिए कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2। फिर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा। तो यहाँ कैल्शियम को हमने बीच में रखा, उसके बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर। फिर क्लोरीन के बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाए। ठीक, तो कैल्शियम क्या करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन को इधर देगा, 1 क्लोरीन को उधर। इस प्रकार से यहाँ कैल्शियम +2 चार्ज आएगा और क्लोरीन 2 है, इसलिए 2 × 2 कोष्ठ के बाहर क्लोरीन लिखेंगे। फिर इसके बाद इसको या तो बंध सूत्र के रूप में लिखेंगे, तो इस तरह से इसको बंध सूत्र की सहायता से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, इस तरह से देखिए, इस तरह से। ठीक, फिर अब देखिए फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का करेंगे तो 2 8 1 और ऑक्सीजन का 2 6। ठीक, अब यहाँ सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो दोनों सोडियम का क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे और इस प्रकार से
स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है और ये इनका नीचे वाला बंध सूत्र है। फिर इसके अंदर देखिए वैद्युत संयोजी बंध बनने की शर्तें, मतलब बंध कब बन सकता है, वैद्युत संयोजी क्या उनकी शर्त होनी चाहिए उसको देखते हैं ठीक। और आप भी एग्जांपल इसके आधार पे कर वैद्युत संयोजी बंध के जितने भी एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए पहला, वैद्युत संयोजी बंध सदैव दो भिन्न परमाणु के मध्य बनता है, कि मतलब एक ही प्रकार के तत्व या परमाणु रहेंगे तो उनके मध्य वैद्युत संयोजी बंध नहीं बनेगा, इसे Cl2 ठीक, उसके बीच में वैद्युत संयोजी बंध नहीं बनेगा। वैद्युत संयोजी बंध सदैव धातु या मधातु के परमाणु के मध्य बनता है, बनने का सेंस ये है कि जो वैद्युत संयोजी बंध है वो अधातु और धातु, मतलब एक धातु है दूसरा अधातु। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, यह बंध प्रबल धन वैद्युति एवं प्रबल विद्युति तत्व के परमाणु के मध्य बनता है, मतलब जो धनायन होता है वो प्रबल विद्युति होता है और जो ऋणायन होता है वो ऋण विद्युति होता है। फिर चौथा देखिए, अधायनिक बंध सदैव ऐसे दो परमाणुओं के मध्य बनता है जिनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक होता है, कहने का सिद्ध ये कि यह बंध उस परमाणुओं के मध्य बनता है जिनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक होता है, मतलब उससे ज़्यादा होता है। देखिए वैद्युत संयोजी जगता इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग इसे कहते हैं ठीक। तो देखिए वैद्युत संयोजी बंध बनने में परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं ठीक, उनकी संख्या उस परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है ठीक। जैसे CaCl2 में देखिए, आयनिक बंध बनने में क्या होता है, क्लोरीन एटम द्वारा दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैल्शियम एटम द्वारा ठीक, दो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तथा क्लोरीन एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अतः कैल्शियम एटम की वैद्युत संयोजकता 2 तथा क्लोरीन परमाणु की वैद्युत संयोजकता 1 ठीक। फिर देखिए वैद्युत संयोजी यौगिकों के समान लक्षण क्या है, मतलब जो वैद्युत संयोजी यौगिक है उनके समान लक्षण क्या होते हैं ठीक ठीक। फिर देखिए वैद्युत संयोजी यौगिक यौगिकों के प्रमुख लक्षण निम्न है, पहला वैद्युत संयोजी यौगिक आयनों से बने होते हैं अणुओं से नहीं, मतलब जो उनमें आयन होते हैं जैसे सोडियम आयन क्लोराइड आयन उसमें अणु नहीं होते हैं, अणु मतलब जैसे Cl2 N2O2 ये सब आते हैं ठीक। फिर देखिए दूसरा, वैद्युत संयोजी यौगिकों के मध्य प्रबल बल ठीक स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, मतलब जो बल है वो प्रबल होता है और स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। इसके बाद वैद्युत संयोजी यौगिक सदैव क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब उनके एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, जिनते हैं रेगुलर शेप होता है, एक निश्चित अरेंजमेंट में रहते हैं, उन्हें को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं ठीक। ये उन यौगिकों के आयनों के मध्य प्रबल तल बल कार्य करने के कारण ये कठोर दृढ़ तथा भंगुर होते हैं, मतलब ये हार्ड होते हैं, दृढ़ मतलब होती है, भंगुर माने बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये अवाष्पशील प्रकृति के होते हैं, मतलब ये वाष्पित नहीं होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों की गलनांक एवं कथनांक कुछ होते हैं, मतलब उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अधिक होता है। ये देखिए स्पष्टीकरण के तौर पर एक एग्जाम्पल को दिया गया है, आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य प्रबल बल स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, जिसके कारण आयनों के मध्य दूरी बढ़ाने से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उनकी जो दूरी है वो बढ़ाने पर अन्य के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब अधिक ऊर्जा देना पड़ता है ठीक। इसी कारण से वैद्युत संयोजी यौगिक के गलनांक और कथनांक ऊंचे होते हैं, मतलब उनको जितना ही गर्म किया जाएगा उनका टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, इसीलिए उनका देना होता है। देखिए अगला पॉइंट, वैद्युत संयोजी यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुछ अलग होते हैं, मतलब जो ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत धारा के कुछ अलग होते हैं, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होता है ठीक, किंतु गलित अवस्था मतलब जब लिक्विड स्टेट में आते हैं तो उसमें धारा के कुछ अलग होते हैं ठीक, क्योंकि इसमें आयन जो है वो धनायन निर्धारण हो जाते हैं। फिर देखिए स्पष्टीकरण क्या है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन प्रबल बल और स्थिर वैद्युत बल द्वारा एक दूसरे से बंधे बनते हैं, बंधे रहते हैं ठीक।
जिससे ये स्वतंत्र नहीं होते। इस कारण से विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक विद्युत धारा की कुछ अलग होते हैं। फिर गलित अवस्था में या विलयन में इनके आयनों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण इनके आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण से गलित अवस्था में या विलयन के रूप में विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ठीक, फिर सातवां पॉइंट देखिए, विद्युत संयोगी ध्रुवी विलायकों में विलय किंतु अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवी विलायक मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, कारण देखिए, ध्रुवी विलायकों के परावैद्युत स्थिरांक का मान अधिक होता है, ठीक, जबकि अध्रुवी विलायकों परावैद्युत स्थिरांक का मान कम होता है। इस कारण से ये ध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं और ध्रुवी विलायकों में विलय नहीं होते हैं। ठीक, फिर देखिए, परावैद्युत स्थिरांक आयनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल के प्रभाव को छीन कर देते हैं तथा यह प्रभाव लगभग एक बटे स्मॉल के बराबर कर देते हैं। ठीक, यहाँ की परावैद्युत स्थिरांक है जिसे विलयन में आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, फिर देखिए, अथवा करके दिया गया, इसको आप लोग पढ़िए, ध्रुव विलायकों के अणु द्विध्रुव होते हैं, मतलब दो ध्रुव उनके होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी कारण से विलायक के अणु आयनों को अपने ओर आकर्षित करते हैं तथा आयन के चारों ओर खींच लेते हैं। इस प्रक्रिया को विलायकीकरण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित ऊर्जा को विलायकीकरण ऊर्जा कहते हैं। यदि विलायक जल है तो इस प्रक्रिया को जलीकरण कहेंगे। देखिए, जैसे यहाँ दिखाया गया है फिगर के माध्यम से, आप इसको देखिए, दो ध्रुव इसके होते हैं। देखिए, एक आयन के आयन की तरफ फेंक गया है, ये थे चारों क्या हुए बल्ब बनाए हुए हैं धनायन और नायन। ठीक, इस प्रकार से ये बनाते हैं और फिर ये जब ये अलग होते हैं तो इस प्रकार से ये देते हैं। H2O मॉलिक्यूल के बीच में इस प्रकार का बंध बना है, इसी कारण से ये द्विध्रुवीय हो जाते हैं। दोनों आयन शो करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव।